नेशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ने मुलाकात लीधी और साथ अधिकारी साथ बैठक आयोजन कर लोथल मेरिटाइम म्यूजियम में दुनिया ए सौथी मोटू लाइट हाउस बनावामां आवशे। जान्युआरी 2024 में म्यूजियम फेज एक नु काम पूर्ण थशे। प्रोजेक्ट पूर्ण करवा माटे 5 वर्षनी समय मर्यादा राखवामां आवे छे। दुनिया का सबसे बड़ा मेरीटाइम म्यूजियम है वो गुजरात में बनने जा रहा है, लोथल में म्यूजियम बनने जा रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया है, उनके साथ ही बात करते। सर, किस तरह से पूरा डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह से ये अनोखा ये म्यूजियम होगा? लोथल इंडस सिविलाइजेशन का एक नगर यहाँ मिला था और 5000 साल पुराना विश्व में कोई भी जगह पे अभी वर्तमान समय में डोक है तो ये लोथल में है। ये लोथल भारत की विरासत है और भारत मैरिटाइम सेक्टर में कितना सभ्य था उसका ये बहुत बड़ा और बेस्ट एग्जाम्पल है। उसको रिक्रिएट करके देश की मैरिटाइम क्षमता और विरासत को दिखाने के लिए 400 एकड़ में मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा तब आपको केवल एग्जीबिशन के रूप में नहीं देखेगा लेकिन आपको स्वयं एक्सपीरियंस भी होगा 5000 साल पुराना लोथल को रिक्रिएट किया जाएगा। 5000 साल पुरानी स्ट्रीट, 5000 साल पुराना ट्रेड, 5000 साल पुराना जब ये म्यूजियम ओपन हो जाएगा और आप एंट्री करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस 5000 साल पुराना व्यक्ति के रूप में होगा। आपको वियर भी 5000 साल पुराना पहनना होगा। अंदर आप जाएंगे तो 5000 साल पहले लोथल में कौन सा कॉइन चलता था वैसा ही कॉइन चलेगा। तो बिल्कुल नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो फेज वन जनवरी 2024 में ख़त्म हो जाएगा, नेशन को समर्पित भी किया जाएगा और ख़ास करके जो ये पूरा डेवलपमेंट है और ये पूरा प्रोजेक्ट है इससे यहाँ स्थानीय जो रोजगारी है वो 20,000 से ज़्यादा यहाँ स्थानीय रोजगारी भी उत्पन्न होगी। अपघातनो प्रयास करनार परिणीतानो वीडियो वायरल थयो छे। अमदावादना रिवा फ्रेंडनो आ वीडियो छे जे वायरल थई रह्यो छे। अपघातना प्रयास पहेला परिणीताए वीडियो थी पोतानी व्यथा ठालवी हती। युवतीए वीडियो बनावी पतिने मोकल्यो हतो। वीडियोमां परिणीताए पति पर आक्षेप कर्यो छे। पति अने अन्य पुरुष साथे संबंध बांधवा तेनो पति तेने दबाण करतो। पतिने पण अन्य युवतीओ साथे संबंध हता। युवती ज्यारे फरवा जती त्यारे तेने स्थानिकोए बचावी लीधी अने हालमां आ युवतीने सिविल होस्पिटलमां सारवार हेठळ खसेडाई छे। मैं फारूक सिंह सारे से इतनी थक चुकी हूँ। वो मेरे पति हैं, मकान बेच के भाग गया, मेरे बच्चे लेके भाग गया। मेरी अलग वीडियो लेता था, मैं वीडियो लेने से मना करती थी, मेरे को मारता था। उसकी जो बहन है साइन, मुन्नी, अयूब, इकबाल, असलम, ये खुद कहते हैं कि उसको तलाक दे दे, पैसे वाले के साथ शादी कर ले। मैं बहुत कंटाल गई, इतनी कंटाल गई नहीं तो मेरे को ये कदम उठाने में मेरे को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। कल भी मेरे को मैसेज करके कहता है फारूक यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहते वो अगर मेरी बात नहीं मानेगी, अलग अलग लड़के के साथ तू संबंध नहीं रखेगी तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा और तेरे मुँह पर एसिड डाल दूँगा। अलग अलग तरह के मेरे को धमकियाँ देता है, बराबर। अब मैं जीना नहीं चाहती, तो मरना चाहती हूँ। फिर मरने के बाद मेरे को इंसाफ मिले बस ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। इसकी हर गलतियाँ माफ़ करी, तेरा फेरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता था मैंने माफ़ कर दी। मेरी हाँ ये गलती हुई है, अलग अलग लड़के के साथ पकड़ती थी सबूत के साथ, मैं बहुत कंटाल गई हूँ। इसके लिए मेरे को मेहरबानी का मेरे को इंसाफ दिलाना, बराबर। अल्लाह हाफिज़।
जूनागढ़ समाचार सामे आव्या आज पॉक्सो अने दुष्कर्मना आरोपी की धरपकड़ कर लेवामां आवी छे। विधर्मी शख्स साहिल लतीफ मुल्तानी झड़पायो छे। बाळकी ने धमकावी दुष्कर्म आचर्यो होवानी फरियाद दाखिल कराई थी। सोशियल मीडिया ना माध्यम थी संपर्क में आया बी डिविजन विस्तार में बाळकी ने धमकावी दुष्कर्म आचर्यो होवानी फरियाद दाखिल कराई। भवनाथ विस्तार में बाळकी की बहनपणी साथ दुष्कर्म आचर्यो। पुलिस फरियाद नोंधी आरोपी की धरपकड़ करी छे। एक ज आरोपी विरुद्ध पॉक्सो और दुष्कर्म की फरियाद दाखिल कराई छे। हमेशे जे एक 17 वर्षनी जे तरुणी छे तेमने साथे बलब चीटिंग करी अने शरीर संबंध बांधेलो। आ जे अन्य युवती छे बने एक बीजाना संबंधी थाता होय नजीकना संबंधी होय आ युवती ने पण तेने लग्नानी लालच आपी अने वेलिंगटन डेमनी बाजूनो जे जंगलनो विस्तार छे त्यां तेनी साथे शरीर संबंध बांधेलो। आम बे बे युवतीओ ने तेने छे तेनी आ रीते फसाई अने शारीरिक संबंध बांधेलो। तो आ बाबते बी डिविजन में पोक्सो 374 मुजब गुनो दाखल थयेलो छे जेमां आरोपी की धरपकड़ करवामां आवेली छे। मोरबी थी एक चौंकावनारो किस्सो सामे आव्यो छे। मोरबी में सिरामिक फेक्टरी में काम करता युवके 5 वर्षनी बाळकी ने शारीरिक अड़पला कर्या हता। बाळकीए देकारो करी मुकता नराधम बाळकीनु मोढ़ू दबावी देता श्वास रूंधाई जता बाळकीनु मौत थयुं छे। लखधीरपुर रोड पर आवेला रियल न्यू टाइल्स सिरामिक गोडाउन में 5 वर्षनी बाळकीनो मृतदेह मळी आव्यो हतो। पुलिसे मृतदेह ने फोरेंसिक पीएम अर्थे मोकली तपास शुरू करी हती। बाळकी ने मौते घाट उतारी देता समग्र मामले मोरबी तालुका पुलिस स्टेशन में बाळकी ना पिता द्वारा फरियाद नोंधावामां आवी छे। मोरबी तालुका पुलिसे आरोपी इकरान इरशाद खान अब्बासी नामना युवक ने झड़पी पाड़ी रिमांड मेळववा तजवीज हाथ धरी छे। टेक्निकल सर्वेलेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा मेल पुरावा आधार आरोपी रवि भाई मनसुख भाई मेहंदपरा नाव ने लावी पूछपरछ करता तपास दरमियान आ काम जो भोग बनना दीकरी है तमने शारीरिक अड़पला कर भोग बनना अवाज करता मोटे टूको आप मरण निपजावेल हो हकीकत की कबूलात आपेल हो आधार अटक कर विरुद्ध धोरणसर की कार्यवाही हाथ धरमेल। समाचारों में हाल रोकाशू एक ब्रेक आप जो रहो न्यूज 18 गुजराती।